अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप्स के फेजेस पढ़ेंगे। फेजेस हम कहते हैं मरहलों को, ठीक है, या आप कहें एक मरहला या बहुत सारे मरहले, ठीक है। तो क्या क्या फेजेस हो सकते हैं थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के? इसके चार फेजेस हैं। नंबर वन इज प्री इंटरैक्शन फेज, नंबर टू इज इंट्रोडक्टरी, या हम इसको ओरिएंटेशन फेज भी बोलते हैं, नंबर थ्री इज वर्किंग फेज, नंबर फोर इज टर्मिनेशन फेज। हम इनको अलहदा पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रोइंग लाइट ऑन प्री इंटरैक्शन फेज। व्हाट इज प्री इंटरैक्शन फेज? जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्री वर्ड आ रहा है, मीन्स बिफोर इंटरैक्शन, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फेज है, प्री इंटरैक्शन फेज, इट बिगिंस व्हेन द नर्स इज असाइंड टू इनिशिएट ए थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, ठीक है। क्या समझ आ रहा है आपको कि प्री इंटरैक्शन फेज वो फेज होता है या वो मरहला होता है जो शुरू होता है कब? जब नर्स को असाइन किया जाए, जब उसको दिया जाए मौका ताकि वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाए क्लाइंट के साथ, ठीक है। अभी नहीं बनाया है, बिफोर मेकिंग इट, व्हेन शी इज ओनली असाइन द जॉब फर्स्ट, क्लियर। तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इट इंक्लूड्स All that nurse thinks, जो भी नर्स सोचेगी, फील करेगी, या उन चीजों को इमीडिएटली प्रायर टू द फर्स्ट इंटरेक्शन, क्या समझ आ रहा है कि ये वो फेज है जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनने से पहले अभी नर्स ने कम्युनिकेट नहीं किया है क्लाइंट के साथ। कम्युनिकेट करने से पहले या इंटरैक्ट करने से पहले नर्स क्या करेगी, वो क्या सोचेगी, वो क्या फील करेगी, ठीक है। और उसे सोचने के बाद, उसे फील करने के बाद, इमीडिएटली प्रायर टू द फर्स्ट इंटरेक्शन, अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उससे पहले वो क्या करेगी, उस चीज को हम बोलते हैं प्री इंटरेक्शन फेज, क्लियर। तो यहाँ पे जब ये प्री इंटरेक्शन फेज एक नर्स में डेवलप हो जाता है, जब ये फेज उसमें आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये इनिशियल टास्क है, it is initial task, isn't it? So this initial task is one of self exploration, खुद को परखना, खुद को समझना, खुद को महसूस करना कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे इंटरैक्ट करूंगा पेशेंट के साथ, ठीक है। तो उस फेज को हम बोलते हैं प्री इंटरैक्शन फेज। अब बहुत सारी नर्सेज जो है प्री इंटरेक्शन फेज में, उन्हें बहुत सी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं मेनी नर्सेस एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्युएसी एंड फेयर ऑफ हर्टिंग। अभी उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया होता है, तो इंटरैक्ट करने से पहले ही उसमें एक शक रहता है, उसमें एक खौफ रहता है
कि कहीं मैं नाकाफी तो नहीं हूँ इस चीज के लिए कि मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अब अगर मैंने इंटरेक्ट किया तो वहां पे मैं हर्ट तो नहीं हो जाऊंगी किसी वजह से, ठीक है। तो बहुत सारी नर्सेस ऐसी फीलिंग्स जो है फेस आउट कर लेते हैं बिफोर इंटरेक्शन। दूसरा फियर जो देखा गया, अनदर कॉमन फियर ऑफ नर्स इज रिलेटेड टू स्टीरियोटाइप्ड साइकियाट्रिक पेशेंट्स। स्टीरियोटाइप हम कहते हैं फिक्सड कोई चीज, मतलब कि कुछ साइकियाट्रिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं अगर उनको लाख यहां से अच्छा करे वो तब भी वहां से एब्यूसिव ही रहते हैं, ठीक है, या उनका वायलेंट बिहेवियर होता है। तो नर्सेस में ये खौफ रहता है कि अगर मुझे जिस बंदे के साथ या जिस क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है इफ ही स्टीरियोटाइप साइकियाट्रिक पेशेंट, तो वहां पे वो मुझे अब्यूज करेगा, किसी कुछ गलत बातें कहेगा या उसका बिहेवियर जो है वो वायलेंट होगा, तो ये चीज का खौफ रहता है उसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्री इंटरेक्शन फेज में वो इम्पोर्टेंस क्या रखता है, कौन सी चीज इम्पोर्टेंस रखती है, दैट इज सेल्फ एनालिसिस। या हम कह सकते हैं कि ये प्री इंटरेक्शन फेज जो है ये खुद एक सेल्फ एनालिसिस है, क्योंकि मैंने आपको कहा बिफोर इंटरेक्शन खुद को समझना, खुद को परखना, अपनी फीलिंग्स को समझना, अपनी दिक्कतों को समझना, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान अपने आप को एनालाइज करता है, सो वी कैन से ये जो फेज है प्री इंटरेक्शन फेज इट इज अ सेल्फ एनालिसिस, ठीक। तो ये सेल्फ एनालिसिस हम कह सकते हैं इट इज अ नेसेसरी टास्क, इजंट इट। क्यों? सो एज टू बी इफेक्टिव। क्लियर? अब ये जो सेल्फ एनालिसिस है, एक नर्स जो है वो सेल्फ एनालाइज्ड तब बन सकती है जब वो रीजनेबली स्टेबल हो, सेल्फ कंसेप्चुअल हो और उसमें एडिक्यूएट अमाउंट ऑफ सेल्फ एस्टीम हो। सेल्फ एस्टीम हम कहते हैं खुद एतमादी को, अपने आप पे एतमाद होना, ठीक है। तो आपने ये समझा कि जो प्री इंटरेक्शन फेज है ये एक सेल्फ एनालिसिस है, और ये नेसेसरी क्यों है, ताकि ये इफेक्टिव बन जाए कौन, थेरेप्यूटिक पेशेंट नर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि एक नर्स जो है वो सेल्फ एनालाइज कैसे खुद को करेगी, तब जब वो पहले स्टेबल होगी टू बी इफेक्टिव, ठीक है, प्लस सेल्फ कंसेप्चुअल होगी, प्लस उसमें एडिक्यूएट अमाउंट ऑफ सेल्फ एस्टीम हो, जिसे हम खुद एतमादी भी कहते हैं। क्लियर? अब नर्सेस टास्क क्या होना चाहिए प्री इंटरेक्शन फेज में, व्हाट शुड बी द टास्क फॉर द नर्स। Interaction phase. First, she should have the capability to explore her own feelings. Yeah. Next, fantasies. Fantasies हम कहते हैं तस्वीर को, isn't it? Fears, उसमें क्या खौफ है, इन चीजों को समझना कि उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या फैंटेसीज है, उसकी क्या क्या खौफियत है, किस चीज से उसे खौफ है, वो चीज वो एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप में। नेक्स्ट, एनालाइज ओन प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। वो एनालाइज करनी चाहिए अपने जो उसके प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स है, अकॉर्डिंग टू हर प्रोफेशन उसके
क्या क्या स्ट्रगल्स है, प्लस उसके क्या क्या हदूद है जिन्हें हम लिमिटेशंस कहते, किसी चीज का हद, ठीक है। नेक्स्ट, शी शुड गैदर द डेटा अबाउट पेशेंट वर एवर पॉसिबल। अब वो इंटरेक्शन से पहले डेटा गैदर करनी चाहिए अबाउट द पेशेंट, जहां पे उसको पॉसिबिलिटी महसूस हो, हाँ जी यहाँ पे मैं इसका डाटा जो है वो गैदर आउट कर सकती हूँ। तो ये भी एक टास्क रहता है फॉर द प्री इंटरेक्शन फेज। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज प्लान फॉर द फर्स्ट मीटिंग विद पेशेंट, कि अब प्री इंटरेक्शन फेज में उसने सब चीजें एक्सप्लोर कर ली, ठीक है, उसने सब देखा कि मेरी खामियां क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, उसने गैदर डेटा भी कर लिया पेशेंट के बारे में। अब उसके बाद वो प्लान करेगी कि मेरी फर्स्ट मीटिंग जो होगी पेशेंट के साथ या क्लाइंट के साथ वो कैसी होनी चाहिए, उसमें मैं पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करूंगी। सो शी प्लान्स फॉर द फर्स्ट मीटिंग।